ऑन करना है, ये पावर स्विच है, ठीक है ना, ये इसे पावर देना है, जैसे कि स्विच दे देना है, ये मशीन आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद इसे बेल्ट को चलाने के लिए यहाँ पर स्पीड दिया गया है, जितना स्पीड आप चला सकते हैं, यहाँ से हल्का हल्का स्पीड बढ़ाना है। ये देखिए, जैसे आपको स्पीड बढ़ाना है इसको, उसके बाद ये कॉटन को इस पे रखना है, स्टेप से रखना है कॉटन को, इसे दो भाग कर लीजिएगा और इसे ऐसे करके सिर्फ रखना है, बाकी सारा काम आपका मशीन ही कर देगा, सिर्फ आपको बढ़िया से रख देना है, बढ़िया से रख देना है और ये सारा काम आपका मशीन ही करेगा। इधर से इस स्टेप का तोड़ना है बटन को और इस स्टेप से रख देना है और इधर से चलते हुए वो देखिए रॉ मटेरियल आपका सामने गिर रहा है, ये रॉ मटेरियल है जो तैयार होके आपके वहां पर गिर रहा है। आप अगर लंबा या पतला या मोटा जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, आपको अगर पतला का दरकार है तो आप इसको कॉटन को थोड़ा कम कर दें उसके बाद डालें तो वो पतला निकलेगा। ये देखिए ये स्टेप से डालना है, स्टेप से डालिएगा आपका उधर से रेडी माल आपका सामने से आएगा और स्पीड आप जितना बढ़ा सकते हैं, देखिए ये स्पीड है, इसमें आप स्पीड कम भी कर सकते हैं, देखिए ये स्पीड कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आप जैसे बना सकते हैं। ये देखिए ये फुल स्पीड चलेगा, ये फुल स्पीड में जो चलेगा आपको जितना हाथ जल्दी जल्दी चलाइएगा आपका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना छोटा बड़ा जो भी आप बना सकते हैं। इसमें वाटर डालना पड़ता है, ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल के रखा है, ये पानी और यहाँ से इनका स्विच है, यहाँ पर ये बेल्ट भीगना चाहिए, ये बेल्ट भीगा रहेगा तो आपका जो रॉ मटेरियल जो बन के निकलेगा ये बेल्ट इस वाटर से भीगना चाहिए, ये जितनी भीगी हुई रहेगी हल्का फुल्का उतना आपका अच्छा बनेगा।